यार लोग कह रहे हैं नालिक खोटा पैगर यार लोग लोकन लाला वो सरपंच चौधरी कारू खान पंचायत ओदन ब्लाक खवास डिस्ट्रिक्ट रजौरी वो एक अर्ज करना चाहूँगा जा आज तो पहला भी मैं एक वीडियो बनाई इस रोड का हवाला नाल मैं दस्यो डीसी साहब ने भेजी तो मैं आगाह की हो जे इसमें कोई इस किस्म का ठेकेदार आया है जिन्हें कोई काली पर्स मिला गया तो रोड में तीये दिन या चौथे दिन वह रोड है जड़ी वो खत्म होगी वह पट्टेगी खत्म होगा खड्डा पै गया जिसमें मैं खुद ही दस दस पंद्रह पंद्रह आदमी आन गए थे वे खड्डा भरावा और वे सट गया ट्राली लंघावा कोई डिलीवरी केस वे तो उसने ये तू चाका त्रेड़ू ले जा महाराज वैसे बहुत बड़ी मुसीबत है अज जी मेरी पूरी अमाम है सवेरा को धरना दे मेरे बैठे दी हम एक वीडियो बना गया हम एक डीसी साहब ने जो आगाह करना चाहवा जे कोई तो कोई अफसर अगर आप नहीं आ सकते तो मेरी इस रोड की चेकिंग की जाए इसकी नाली चेक की जाए इसकी लुक पाई भी चेक की जाए हम शुक्र गुजार हाँ मोदी साहब का जिसने मारा इस दूर दराज इस ओदन का इलाका वस्ता है जहाँ कोट चढ़वाल का इलाका वस्ता है जहाँ नाला बबल का इलाका वस्ता है उसने पीछा से पेशो शिक्षण की हो मगर आगे ठेकेदार ने हड़प कर गए द रोड की यह हालत कर छोड़ी जिसमें इतनी बड़ी परेशानी है कि इसमें मेरी अमाम ना इसे पर वो खत्म करना तो चाहूँ शुक्रिया यह हालात है खड्डा इसने देखो यह गुंदर टू कोट चढ़वाल रोड है ये खड्डा इसमें अदाब नाज़रीन कश्मीर उज़्ज़मा के वेब पोर्टल में आपका खैर मकदम है आपका दोस्त बिशारत राठौर नाज़रीन ज़िला रजौरी के डिवीज़न बुद्दल की कमोबेश सड़कों की खस्ता हाली होने की वजह से जहां आए रोज़ लोगों को कई दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं आज तहसील ख्वास की पंचायत हल्का ओदन के चौधरी कालू खान सरपंच की क्यादत में मकामी लोगों ने महकमा PMGSY के खिलाफ शदीद नाराज़गी गम व गुस्से का मुजाहरा करते हुए ये बताया के गुंदा से कोट चरवाल जाने वाली सड़क की खस्ता हाली की वजह से मकामी आबादी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने LG इंतज़ामिया से मतालबा करते हुए कहा कि ये भी एक इलाका ज़िला रजौरी का इलाका है, इसके साथ सोतीला सलूक क्यों किया जा रहा है। उन्होंने अपनी मादरी जबान में डिप्टी कमिश्नर रजौरी श्री विकास कुंडल से मोतबाना गुजारिश करते हुए कहा कि यह भी डिस्ट्रिक्ट रजौरी का एक हिस्सा है, आप इस इलाका का दौरा करें और यहाँ की सड़कों की हालत की तरफ तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि मकामी लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहीं आए रोज़ सड़कों के गड़े जो हैं उन्हें भरने की कोशिश कर रहे हैं, नालियां बना रहे हैं, हफाजती बांध जो हैं वो बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जहां करोड़ों रुपए खर्च करके सड़कों के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करती है कि दूर दराज गाँव में रहने वाले लोगों को सड़क जैसी सहूलियात मैसर हों। उन्होंने इस सड़क को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा कि आज भी हम ज़माना कदीम की तर्ज पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अगर कोई शख्स बीमार हो जाए गाँव के अंदर हम चार पाई पर उठाकर उसे 8 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता, उसके बाद हमें गाड़ी जो है वो या तो ख्वास के लिए या ज़िला रजौरी के लिए जो है हमें दस्तयाब होती है। उन्होंने मोदबाना अंदाज में डिप्टी कमिश्नर रजौरी से गुजारिश करते हुए कहा कि जल्द अज जल्द गुंदा से कोट चरवाल जाने वाली सड़क जो महकमा PMGSY के तहत बनाई जा रही है उस सड़क की खबरगिरी की जाए, उस सड़क के ऊपर जो तार कोल बिछाई गई है उसके ऊपर जो है वो नज़रसानी की जाए और सड़कों के जल्द अज जल्द हफाजती बांध नालियां तामीर की जाए और सड़कों के खड्डे भरे जाएँ ताकि जिस मकसद के लिए सड़क बनाई है वो मकसद पूरा हो सके। आप देखते रहें कश्मीर उज़्ज़मा, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।